तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं काइन मास्टर में किस प्रकार से हम लोग ट्रांजिशन का प्रयोग कर सकते हैं और ट्रांजिशन के प्रयोग करके वीडियो कैसे मर्ज किया जाता है और किस प्रकार का एक अच्छा लुक आता है और कौन कौन से प्रकार के ट्रांजिशन हम लोग वीडियो में यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार क्रिएटिविटी होती है जो हम अलग अलग सिनेमेटिक वीडियोज में, फिल्म मेकिंग वीडियोज में और अपने यूट्यूब वीडियोज में भी इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो कब कहाँ करेंगे इन सभी के विषय में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजिशंस का प्रयोग होता है काइन मास्टर में और किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में ट्रांजिशंस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जहां मैं आपको काइन मास्टर ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजिशंस का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से आप ट्रांजिशंस को लगा सकते हैं। सबसे पहले आप जान जाओ कि ट्रांजिशन लगाने के दो प्रकार हैं। एक हम वीडियो में कट करके ट्रांजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं और एक हम लोग ओवरले ट्रांजिशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं दोनों ट्रांजिशन आपको लगा करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये जैसा कि मेरे पास एक वीडियो है और जो मैंने शूट किया था गाड़ी में बैठ करके ऐसे जाते वक्त, तो इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें ट्रांजिशंस को लगा सकते हैं वीडियो को कट करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 सेकंड पर एक यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ और मार्क करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांजिशंस लगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक दो मार्क हो गया है तो उन चीज़ों को हम हटा लें, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम 7 सेकंड या 10 सेकंड पे के करीब हम यहाँ चाहते हैं कि ट्रांजिशंस लगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे कट वाले ऑप्शंस पे और यहाँ स्प्लिट एड प्लेहेड कर देंगे। ठीक है, अब आपको देखने के बाद एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, यही है हमारा ट्रांजिशन का ये जगह और यहीं पे आप फिल कर सकते हो ट्रांजिशन से। आप जैसे देख सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट और यहाँ पे बहुत सारे तमाम आपको ट्रांजिशंस देखने को मिल जाएगा। यदि आपके पास ट्रांजिशंस नहीं है, कुछ बेसिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके गेट मोर पर क्लिक कर सकते हैं और जहाँ से आप और भी बहुत ही ज़्यादा तरह तरह के ट्रांजिशंस को ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ब्लेड वाला ट्रांजिशन यूज़ करने वाला हूँ। ये जो इसका कुछ एनिमेशन है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। इसके आप ड्यूरेशंस को भी देख सकते हो, देखिए आप कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। ये है ट्रांजिशंस कटने वाला और ये देखिए ये दूसरा ट्रांजिशंस है उसी ब्लेड वाले का ही। तो इसके ड्यूरेशन को सबसे पहले हम कम कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं और देखिए ये कुछ इस टाइप का ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लासिक ट्रांजिशन आपके पास है और कुछ एक्सेलरेशन ट्रांजिशन है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये राइट से लेफ्ट की ओर आए और इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब 1 सेकेंड हो। तो यहाँ लगाने के बाद आपको मैं अगर पूरा सीन दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का फुटेज देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है एक वीडियो मैंने गाड़ी में बैठ करके शूट किया था चलते वक्त और ये यहाँ से ये ट्रांजिशंस ये इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ट्रांजिशंस लगाने के लिए आप और भी बहुत सारे ट्रांजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम तरह तरह का ट्रांजिशंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक देखिए मेरे पास एक और है, ये है पंच और ये आपको कुछ ऐसा इफेक्ट डालेगा यदि आप इस ट्रांजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसको प्ले करके। तो प्ले करने के बाद आप देखोगे कि ये जो ट्रांजिशंस है ये कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो बेसिकली ट्रांजिशंस का प्रयोग हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप ट्रांजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर से देखना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आने वाले बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा। इससे पहले हम काइन मास्टर के और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर, आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ओवरले टेंस आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप कोई ट्यूटोरियल दे रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, तो पॉइंट के बीच में चाहते हो ट्रांजिशंस लगे और हर पॉइंट में आप वो चीज़ें लगाना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मार्क करता हूँ और मुझे यहाँ पे ट्रांजिशंस चाहिए। तो वैसे ट्रांजिशंस के लिए आप ग्रीन स्क्रीन ट्रांजिशंस को डाउनलोड करना होगा, आप यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांजिशन कोड लगाया है जो कि है हमारा ग्रीन स्क्रीन, और इसको हम लोग यहाँ पे जा करके फिल कर देंगे टोटल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ट्रांजिशन है। ये कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है जैसे कि मैं अपने वीडियोस में प्रयोग करता हूँ। तो अब इसके ग्रीन स्क्रीन को हमको रिमूव करना है, तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्रोमा की। तो क्रोमा की हम लोग इनेबल कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम लोग कर्व्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। वो आप देख पाओगे जब आप क्रोमा की वाले मेरे वीडियोस को देखो कैसे इनहेंस करना है, और आपको लास्ट में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने ऐसा आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग होता है, इसमें वीडियो में कट नहीं आता है। और यदि आप दो फुटेज को यहाँ पे ऐड करोगे तो वहाँ पर दो फुटेज के बाद इसके बीच में आप ये ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको देखने को यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप जरूर से ट्राई करना। ये आपको वीडियो कैसा लगता है नीचे आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं आपको हिंदी में और बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूँ एक एक बातों को। तो जरूर से एक वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ जमकर शेयर की, ताकि उनको भी इसी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। तो ये थी आज की वीडियो जहां हम लोगों ने ट्रांजिशंस को लगाना सीखा, और भी बहुत सारे तरह के ट्रांजिशंस मैं आपको दूंगा, आप सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जहां हम लोगों ने ट्रांजिशंस के उपयोग को समझा कि कैसे इसका उपयोग करके अपने वीडियो को और भी ज्यादा स्मूथ और डिजाइनदार बना सकते हैं, ताकि अट्रैक्टिव दिखे वीडियो और लोग इस पर जो है काफी ज्यादा प्रभावित भी हों। मैं ज्यादा ट्रांजिशन यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वीडियो में ज्यादा ट्रांजिशन डाल दिया जाता है तो वीडियो जो है बहुत ही भद्दा सा आउटपुट देता है। लेकिन वहीं पर यदि हम ट्रांजिशंस का शॉर्ट शॉर्ट पार्ट एडिट करते हैं, डालते हैं वहां पर, तो एक सिनेमेटिक लुक देता है, और ज्यादातर ये सिनेमेटिक वीडियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है ट्रांजिशंस, और जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं उन सभी सिनेमेटिक वीडियोस को एक नया लुक देने के लिए। तो आई होप कि आप काइन मास्टर का यह ट्यूटोरियल, जैसे मैंने आपको बताया कैसे ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने काइन मास्टर के ऊपर बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको दे दूंगा कार्ड पर, आप जाकर के चेक कर लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जहां से आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख पाओगे। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें नहीं पता है किस तरह से हम लोग ट्रांजिशंस का उपयोग कर सकते हैं। आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस में मैं काइन मास्टर ट्यूटोरियल को लेकर के आऊंगा, जहां मैं आपको और भी नए नए चीजों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि सभी चीजें बेसिक चीजें हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आप दोस्तों आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ में आने वाले बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ हमसे एक और नए वीडियो में। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।